हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं एकदम अच्छा हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे खुद के इंटरव्यू एक्सपीरियंस को लेके, एंड आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आज की वीडियो से, क्योंकि मैं काफ़ी जेन्युइनली आपको बताऊँगा कि यूपीएससी ने मेरे से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे एंड मैंने किस तरह से उन क्वेश्चन को आंसर किया। चलिए देखते हैं। तो यूपीएससी इंटरव्यू के लिए जब मैं अंदर घुसा ढोलपुर हाउस में, तो पहले तो हम लाइन में खड़े हो गए। धीरे धीरे हम अंदर जा रहे थे, हमारा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म हमारे हाथ में था, हम उसको लेके अंदर जा रहे थे, चेकिंग हो रही थी। एंड अंदर पहुंच के हमने अपना मोबाइल और बैग और पानी और ये सब जो था हमने डिपॉजिट कर दिया बाहर, और फिर हम अंदर चले गए। एंड अंदर जाकर भी फिर हमने अपने बायोमेट्रिक दिए, हमने अटेंडेंस मार्क करी, हमने साइन वाइन किए, फॉर्मेलिटीज़ करी और बैठ गए वहाँ पर। फिर वहाँ बैठ के काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था वो, थोड़ी एनजाइटी भी हो रही थी। तो वहाँ के जो लोग थे बड़े कॉर्डियल थे, यूपीएससी के जो स्टाफ था स्माइलिंग स्टाफ था काफ़ी, एंड काफ़ी वेलकमिंग था, कंफर्टिंग था। एंड उन्होंने हमें चाय कॉफ़ी एंड बिस्किट्स चिप्स तो वो सब दिए, काफ़ी खातिरदारी कर रहे थे वो हमारी, काफ़ी मतलब हमें एट ईज़ फील करा रहे थे, एट होम, जैसे मतलब एकदम घर में हो एंड अच्छे से अपना दो, एकदम बेस्ट दो, कॉन्फिडेंस के साथ दो। तो हमें वो काफ़ी बूस्ट कर रहे थे कि एनजाइटी में आके ऐसा ना हो कि हमारा इंटरव्यू अच्छा ना हो। तो देवर इंश्योरिंग दैट वी आर एट आर बेस्ट, दैट वी कैन गिव आर बेस्ट विथ फुल कॉन्फिडेंस। तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी बहुत ही कुछ बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ तो है बट ऐसा नहीं है कि डरने वाली बात है, बिल्कुल भी नहीं है। जब इंटरव्यू के लिए हम जाते हैं अंदर तो लोगों को डर सा लगता है, लेकिन जब आप अंदर पहुंच जाते हो ढोलपुर हाउस के जहां पर आपका इंटरव्यू होना होता है, तो फिर ना डर धीरे 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 करना निकल सा जाता है, डर नहीं रहता फिर। हाँ, बस फिर ये है कि जब आपका नाम कॉल होता है, जब मेरा नाम कॉल हुआ और फिर एक स्टाफ मेंबर मुझे लेके जा रहा था, मुझे लीड कर रहा था वो टूवर्ड्स माई बोर्ड, जहाँ पर मेरा बोर्ड बैठा था जिस रूम में, तो तब थोड़ी मेरी हार्ट बीट तेज़ हो गई थी। तब मुझे मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि क्या होगा करके। तो बट ठीक था, मतलब मैं लिफ्ट में गया एंड ऊपर गया, सेकंड फ्लोर पे था। सेकंड फ्लोर पे एक रूम में, रूम के पास एक चेयर रखी हुई थी, एम्प्टी चेयर थी, तो मैं उस पे बैठ गया। एंड ऑलरेडी उस रूम में किसी का इंटरव्यू चल रहा था, जो मेरे से पहले कैंडिडेट गया था उसका इंटरव्यू चल रहा था, सो आई वॉज़ आस्क्ड टू वेट। सो काफ़ी लंबा टाइम लगा मुझे वो, ऑल्दो मैंने 5 मिनट ही वेट किया, बट मुझे लगा पता नहीं कितना टाइम बीत गया, जैसे 15-20 मिनट बीत गए मुझे ऐसा फील हो रहा था, बट वो 5 मिनट ही बीते थे। 5 मिनट मैंने वेट किया, फिर कैंडिडेट बाहर आ गया और मैं अंदर चला गया, इंटरव्यू बोर्ड के अंदर मैं चला गया बोर्ड रूम में। एंड डेफिनेटली मतलब आई आस्क्ड कि प्लीज़ मे आई कम इन, सो दे वर वेरी वेलकमिंग। सामने चेयर वुमेन बैठी थी, शी वॉज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड, प्रोबेबली फॉर्मर IAS थी वो, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थी। चेयर वुमेन ने सवाल मेरे से पूछा, फर्स्ट जो सवाल पूछा, सवाल क्या था मतलब वो बेसिकली कंफर्टिंग था कि आर यू रेडी फॉर द इंटरव्यू अंशुमान, सो आई सेड यस। तो बस वहाँ से फिर मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ, जब मैंने यस बोला आई एम रेडी, वहाँ से मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ। वो मेरे डैफ को तो स्टडी कर ही रही थी जो चेयर वुमेन थी, तो मेरे वो डैफ से ही क्वेश्चंस निकाल रही थी, डैफ को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं एक्चुअली वो लोग, डैफ से ही क्वेश्चन निकाल रहे हैं। तो चेयर वुमेन ने मुझसे शुरुआत में ही पूछा कि अच्छा, यू हैव वर्कड इन सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, यू हैव वर्कड इन सैमसंग, तो उन्होंने सैमसंग का थोड़ा मेरे से पूछ लिया। यू हैव रिटन दैट यू वर इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर, सो हाउ यू वर इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर इन सैमसंग, वॉट डिड यू डू इन सैमसंग। फिर उन्होंने पूछ लिया व्हाई डिड यू लीव सैमसंग, सैमसंग छोड़ा क्यों। सैमसंग के बाद जैसे मैं NGO चला गया था, टीच फॉर इंडिया NGO, आपको पता होगा मैं टीच फॉर इंडिया में था, मैंने एक वीडियो भी डाली है अपनी टीच फॉर इंडिया की। तो उन्होंने पूछा व्हाई डिड यू लीव सैमसंग टू गो इनटू टीच फॉर इंडिया, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे थे वो। एंड उसके बाद जब उन्होंने टीच फॉर इंडिया का जान लिया, फिर मैंने उनको ये भी बता दिया कि टीच फॉर इंडिया में करने के बाद मैं UPSC की जर्नी में जैसे आ गया था, सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहता था। फिर उन्होंने पूछा कि और कुछ भी आप कर रहे थे क्या इसके साथ, तो मैंने वो भी बता दिया। कुछ कुछ चीज़ें मैंने डैफ मेंशन नहीं की थी ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स इन सर्टिफिकेट्स, सर्टिफिकेट हर चीज़ के एकदम से नहीं मिलते ना, तो मैंने डैफ में तो नहीं डाला था, बट आई मेंशनड इट कि मैंने यहाँ 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 भी काम किया है अलॉन्ग विद माई UPSC जर्नी। तो शी वॉज़ लुकिंग वेरी इम्प्रेस्ड,
तो जब वो उन्होंने जान लिया कि मैंने कहाँ कहाँ काम किया है, क्या क्या मैंने किया है, एजुकेशन क्या है मेरी, बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा बहुत उन्होंने जान लिया, देन शी पास्ड ऑन द क्वेश्चंस टू अदर मेंबर्स। तो फिर मेरा अलग अलग मेंबर के पास मेरा डैफ गया एंड जो चीज़ें उनको डैफ में क्लियर करनी थी वो उससे पूछते चले गए। तो एक मेंबर थे वो काफ़ी सीनियर थे, सरदार जी थे वो, काफ़ी सीनियर थे, तो उन्होंने कुछ कुछ सवाल मेरे से पूछे मेरे डैफ से। जैसे उन्होंने पूछा कि अच्छा अंशुमान, यू हैव डन मास्टर्स फ्रॉम जामिया मिलिया, सो व्हाट इज़ दैट वन यूनिक थिंग अबाउट जामिया मिलिया, व्हाई इज़ इट यू नो सो फेमस, और व्हाई इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज़, व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज़, ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा। देन ही आस्क्ड व्हाट इज़ योर व्यू ऑन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, बिकॉज सो मैनी स्टूडेंट्स इन जामिया मिलिया वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस एक्ट, सो वॉट इज़ योर व्यू ओवर दिस एक्ट। देन ही आस्क्ड मी सो मैनी स्टूडेंट्स वर प्रोटेस्टिंग अंशुमान, सो वॉट डू यू थिंक, शुड स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट लाइक दिस, शुड दे एक्चुअली प्रोटेस्ट, वॉट इज़ योर व्यू ऑन दैट, should students be allowed to disrupt education in such a famous central university, what is your view on that। तो उन्होंने इस तरह के views भी मेरे से पूछे, काफ़ी views भी उन्होंने पूछे, situation specific questions इस तरह से उन्होंने पूछे, जानना चाहा कि क्या मैं reasoned argument दे सकता हूँ, क्या मैं pros and cons बता सकता हूँ, क्या मैं critical हूँ, क्या मैं डिस्कस करता हूँ कि नहीं, या फिर मेरा एक नैरो फोकस रहता है आंसर में। तो आई थिंक वो ये सब जानना चाह रहे होंगे मेरी पर्सनालिटी के बारे में, इसलिए वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने पास ऑन कर दिया क्वेश्चन, फिर दूसरे मेंबर के पास आ गया क्वेश्चन, जो इधर को बैठे थे एक और मेंबर थे, एक्चुअली वो सर्कल में बैठते हैं ना लोग, वो घेर लेते हैं आपको, सामने चेयरवुमन बैठी थी और इधर घेर लिया था उन्होंने, घेर लेते हैं वो आपको, ऐसे ही होता है। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, कुछ ऐसे करना कि बोर्ड मेंबर्स बैठे हों ऐसे करके, तो थोड़ा ना वो लगता है इंटिमिडेटिंग थोड़ा बहुत लगता है, तो आप प्रैक्टिस भी थोड़ा ऐसे ही करना, कोशिश करना कि बोर्ड मेंबर्स के सामने आप अपना इंटरव्यू दो इफ़ पॉसिबल, ठीक है, कोशिश कर लेना वो, क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट रहता है एक्सपीरियंस, जब लोग आपको घेरे हुए होते हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं वो, 50-60 साल के लोग होते हैं, इतना कुछ उनको आता है, यू कैन नॉट फेक एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ देम, यू हैव टू बी योर सेल्फ, आप कुछ बोल ही नहीं सकते हो ऐसा, है ना। तो एक बार आप देख लेना, अगर आप कर पाओ तो बोर्ड मेंबर्स को फेस एक बार मॉक इंटरव्यूज़ में अपने, कोई अगर इंस्टीट्यूशन ले रहा हो या कुछ है तो एक बार आप देख लेना, मॉक इंटरव्यूज़ देने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे। ये वाले जो मेंबर थे उन्होंने देखा कि मैंने नीति आयोग में काम कर रखा है, तो उन्होंने बेसिक से क्वेश्चन नीति आयोग पे पूछ लिए, हु इज़ द करंट चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, CEO, ये सारे क्वेश्चंस, CEO कौन है नीति आयोग के, इस तरह से उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए मेरे से, नीति आयोग की रीसेंट इनिशिएटिव्स क्या रहे हैं, ये सब पूछ लिया। थोड़ा बहुत मैं प्रिपेयर करके गया ही था तो मैंने बता दिया उनको। देन ही पास्ड ऑन द क्वेश्चंस टू अनदर पर्सन जो इधर की तरफ बैठे थे। सो सिंस आई वॉज ऑल्सो डूइंग PhD एट दैट टाइम, सो ही आस्क्ड मी सर्टेन बेसिक क्वेश्चंस ऑन PhD आपकी किस टॉपिक पे है। आई टोल्ड हिम द टॉपिक कि थोड़ा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है, सो ही आस्क्ड मी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है करके, एंड ही आस्क्ड मी वेरी बेसिक क्वेश्चंस ऑन PhD कि रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होती है, व्हाट इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च, व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च, व्हाट इज़ हाइपोथीसिस, जो एकदम बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, हाइपोथीसिस टेस्टिंग और ये सब। उन्होंने काफ़ी बेसिक से फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछे रिसर्च रिलेटेड, जो कि मुझे आते ही थे, तो मैंने उनको बता दिया उसका आंसर। देन ही पास्ड ऑन द क्वेश्चंस टू दिस मेंबर जो मेरे एकदम पास में इधर को बैठे थे। तो उन्होंने थोड़े ना करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस मेरे से पूछे, क्योंकि डैफ के क्वेश्चंस तो मेरे हो ही गए थे, है ना, चेयरवुमेन ने भी पूछ लिए थे और बाकी जो दो मेंबर इधर बैठे थे उन्होंने डैफ पे ही पूछे थे, तो डैफ के क्वेश्चंस ख़त्म ही हो गए थे अब। तो अब उन्होंने मेरे से पूछना शुरू करा करंट अफेयर्स। तो जो इधर को मेंबर बैठे थे उन्होंने मुझसे पूछा कि अंशुमान, डू यू थिंक टुडे देर इज़ अ स्पेशल डे, वी आर सेलिब्रेटिंग समथिंग टुडे, डू यू नो विच डे इज़ इट। तो उन्होंने इस तरह का मतलब एकदम अवेयरनेस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। बाई चांस मैं जहाँ से आ रहा था, इंडिया गेट से मैं आ रहा था और इंडिया गेट पे वो इवेंट हो रहा था, तो मैंने खिड़की से बाहर झांक लिया था जब मैं आ रहा था, आई वॉज़ अवेयर
कारगिल विजय दिवस था एक्चुअली उस दिन, 26 जुलाई को मेरा इंटरव्यू था, तो कारगिल विजय दिवस मैंने बोल दिया एकदम उनको कि यस सर आई एम अवेयर दैट इट इज़ कारगिल विजय दिवस। तो कारगिल विजय दिवस के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लिया क्या था ये सब, एंड एक दो क्वेश्चन और करंट अफेयर्स रिलेटेड पूछ लिए जो इवेंट्स चल रहे थे उस टाइम पे न्यूज़ में, बस इतना ही था। फिर देन ही पास्ड ऑन द क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन टू चेयरवुमेन, एंड चेयरवुमेन ने बस फिर बोल दिया ओके थैंक यू वेरी मच अंशुमान, एंड आई जस्ट सेड वेलकम, एंड वो सब थोड़ा बहुत ग्रीटिंग्स एक्सचेंज कर ली एंड मैं उठ गया एंड अपना डैफ वो सब लेके मैं चला गया बाहर। सो दैट वॉज माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो लगभग मेरा इंटरव्यू 30 to 35 minutes ही चला होगा, बट ऐसा लग रहा था जैसे बहुत टाइम हो गया, बट हाँ खाली 30 to 35 minutes ही चला था मेरा इंटरव्यू। तो ऐसे ही चलेगा, मतलब इंटरव्यू 30-35 minutes ही चलेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं चलेगा। तो आपने क्या देखा? आपने ज़्यादातर क्वेश्चंस तो मैंने आपको बता ही दिए, जो मुझे याद थे वो मैंने आपको बता दिए क्वेश्चंस। तो आपकी क्या लर्निंग हुई इससे? आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कौन से एरिया से पूछे उन्होंने मुझसे? मुझे लगता है डैफ से पूछे ना, क्योंकि डैफ में मेरी पर्सनैलिटी झलक रही है। तो उन्होंने डैफ के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन नहीं पूछ डाले, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, जहाँ जहाँ मैंने काम किया है वो सब पूछ डाला ना उन्होंने, उसके अंदर डिटेल में घुस गए, काफ़ी कुछ पूछ डाला। जैसे नीति आयोग गया तो नीति आयोग के बारे में पूछ डाला काफ़ी कुछ, वाइस चेयरमैन वो सब कौन है, CEO कौन है नीति आयोग का, चेयरमैन तो खैर PM होते ही हैं, तो मतलब ये सब चीज़ें हैं। तो ऐसा है कि आप अपना डैफ अच्छे से करना, डैफ को तो मतलब एकदम सैंक्टिटी के साथ पढ़ना, इट्स योर बाइबल, जो आपका डैफ होगा वो आपकी होली बुक है, गीता बाइबल जो भी कहो। तो आप डैफ को अच्छे से पढ़ना, अपने आप को समझो, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, इंटरेस्ट्स क्या हैं, कहाँ कहाँ आपने काम किया है, कोई आपको अवार्ड्स मिले हैं कुछ है, सब कुछ अपने डैफ में अच्छे से डाल देना। आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन UPSC ना डैफ से ही पूछ लेगा, मेरे से तो पूछे उसने डैफ से। एंड डैफ के अलावा मेरे से क्या पूछा, करंट अफेयर्स पूछ लिया थोड़ा बहुत है ना, कारगिल विजय दिवस और ऐसा पूछ लिया, तो मतलब करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट रहेगा, फोकस एरिया एक। तो मेरे से ये पूछा, मैंने ना और लोगों से ही बात करी है जो अपने मेरे फेलो AOEOs है ना, तो कई AOEOs से ना अकाउंटिंग के क्वेश्चंस भी पूछ लिए थे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पूछ लिए थे, कुछ से लेबर लॉज पूछ लिए थे। तो ना बोर्ड पर डिपेंड करता है, आपको बोर्ड कौन सा मिलेगा उस पर डिपेंड करता है, कोई बोर्ड मेंबर अगर अकाउंटेंसी में अच्छा होगा ना आपसे अकाउंट के क्वेश्चन वो पूछ सकता है, फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, लेबर लॉज ये सब पूछ सकता है वो, है ना। तो इसका मतलब है कि आपको वो पाँचों फोकस एरियाज जो मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, आपको लिंक यहाँ पे दिख जाएगी ऊपर को पिछली वीडियो की, मैंने जिसमें फोकस एरियाज बताए हैं, आप एक बार और चाहो तो देख लो उस वीडियो को। तो वो पाँच फोकस एरियाज आप अच्छे से करके जाना, ठीक है, वो वाले फोकस एरियाज तो कर ही लेना। एंड ये वाला जो मेरा एक्सपीरियंस है आप इसको एक लर्निंग की तरह लो, कि हो सकता है कि किसी एक एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ले वो आपसे, मेरे से डैफ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए एंड आई वाज हैप्पी। एंड एक्चुअली काफ़ी और AOEOs हैं, मेरे कई फ्रेंड्स हैं यहाँ पर जिनसे डैफ से ही काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे थे, डैफ पे ही चला था उनका पूरा इंटरव्यू, ऐसे भी लोग हैं, डैफ के ऊपर ही पूरा डिस्कशन हो रहा था, कहाँ कहाँ उन्होंने काम किया, उनकी क्या लर्निंग्स थी, ये सब चीज़ें, यही वाली बातें हो रही थी। एक कॉन्वर्जेशन होता है, इट्स अ डायलॉग, एक बेसिक कॉन्वर्जेशन ही करते हैं वो आपसे, कोई ऐसे कोई हवा नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है वैसे, वो एक बस देखना चाहते हैं कि पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी क्या झलक के आ रही है, आर यू अ वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन, क्या आप अपने व्यूज़ दे पा रहे हो, आप अपने ओपिनियंस दे पा रहे हो क्या, बस इतना ही चेक करते हैं वो उनको, और क्या चाहिए, बस एक पर्सनैलिटी देखनी है उनको। लेकिन पर्सनैलिटी कहाँ से आएगी? पर्सनैलिटी ना नॉलेज से आती है एक्चुअली, पर्सनैलिटी नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों से आती है, एक्सपीरियंशियल नॉलेज से भी, टेक्स्चुअल नॉलेज से भी। तो नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो नॉलेज को निगलेक्ट मत करो, पढ़ाई करो, जितनी पढ़ाई हो सकती है पढ़ाई करो, मॉक इंटरव्यूज़ दो, रीडिंग्स करो, वो आपकी पर्सनालिटी में झलक के आएगा। तो नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज से ही पर्सनालिटी बनती है, एटीट्यूड बनता है। तो इस वजह से मैं तो यही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी जारी रखिए इंटरव्यू की, एंड जब आपका सिलेक्शन हो जाता है प्रीलिम्स में तो एकदम से फिर हो सकता है इंटरव्यू कॉल आपको आ जाए, एंड 20-25 दिन 30 दिन में इंटरव्यू आपका हो भी जाए, हो सकता है ऐसा, क्योंकि कई लोगों ने बताया है हमें EPFO में कि दिसंबर तक हमें नए ऑफिसर्स चाहिए, वैकेंसीज़ है ना हमें वो फिल करनी है, दिसंबर तक हमें चाहिए AOEOs और APFCs अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आप एक्सपेक्ट करो कि UPSC के ऊपर भी तो प्रेशर होगा ना, तो जल्दी जल्दी इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा, तो यू कैन एक्सपेक्ट एन इंटरव्यू कॉल वेरी सून। कोर्सेज मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं, बुक्स हैं, लिंक्स हैं, कुछ कुछ वीडियोज़ हैं, आपको हेल्प कर सकती हैं वो।
इंटरव्यू प्रिपरेशन में, पर्सनालिटी टेस्ट के प्रिपरेशन में आपको वो हेल्प कर सकती हैं। एक बार आप देख लेना, एक बार चेकआउट कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी की सारी लिंक्स हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, बहुत अच्छा होगा आपका इंटरव्यू। एंड अगर इस टेस्ट में, अगर इस बार आपका इंटरव्यू कॉल नहीं भी आता है तो भी डिसअपॉइंट होने की बात नहीं है, फ्यूचर में कभी ना कभी तो आप इंटरव्यू दोगे ही ना, प्राइवेट में दोगे, एनजीओ में दोगे, गवर्नमेंट में दोगे, कहीं ना कहीं तो इंटरव्यू दोगे, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन कभी आपकी बेकार तो नहीं जा सकती है ना। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे से करो, एंड मॉक इंटरव्यूज़ भी आप दे सकते हो, देखो कौन कौन मॉक इंटरव्यूज़ आपके ले रहा है, बुक्स वुक्स पढ़ लो जो मॉक इंटरव्यूज़ के ऊपर लिखी गई हैं, पर्सनालिटी टेस्ट जो UPSC लेता है उसके ऊपर जो बुक्स लिखी गई हैं वो आप पढ़ लो, कुछ कुछ मैंने नीचे डाल भी रखे हैं लिंक्स, वो आप देख लो, उससे काफ़ी आपको हेल्प हो जाएगी। और हाँ, अपनी ना बाकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते रहो, जो आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जो आप देने वाले हो ना एग्ज़ाम्स, उनकी प्रिपरेशन करते रहो, इंटरव्यू का ना वेट मत करना, इंटरव्यू की प्रिपरेशन बैकग्राउंड में चलती रहेगी, बीच बीच में कुछ मॉक्स वॉक्स दे देना, वीडियोज़ देख लेना यूट्यूब पे, या कोई बुक वुक लेनी है ले लेना, बैकग्राउंड में ही चलाना इस प्रिपरेशन को, इंटरव्यू की प्रिपरेशन को फोकस में उतना मत ले आना कि आपकी बाकी की स्टडीज़ सफ़र करें। बाकी के एग्ज़ाम्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको वो भी देने हैं, जो भी आप दे रहे हैं, मेंस लिख रहे हैं, सिविल सर्विसेज का, स्टेट PCS दे रहे हैं, जो भी आप दे रहे हैं, NABARD, RBI, SIB, जो भी आप दे रहे हैं ना एग्ज़ाम्स, उन पे फोकस करो। एंड करंट अफेयर्स तो आप पढ़ ही रहे होंगे, वो आपको इंटरव्यू में भी काम आएंगे, तो वो वाली प्रिपरेशन आप अपनी जारी रखो, बैकग्राउंड में इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि हो सकता है UPSC आपको बुला ले, है ना, कुछ पता थोड़ी है इस एग्ज़ाम में, हो सकता है सडनली आपको बुला ले इंटरव्यू के लिए, तो इस वजह से अपनी प्रिपरेशन ठीक ठाक सी रखो इंटरव्यू की, बस ये चीज़ है, ये चीज़ दिमाग में रखना, थोड़ा बहुत करते रहो अपना इंटरव्यू का, एंड जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे थोड़ी सी हेल्प ले लो, ठीक है, बस यही है। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, बहुत अच्छा होगा आपका, टेक केयर।